क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में घुमारवी थाना के अंतर्गत कोठी पंचायत की विवाहिता नीलम कुमारी की मौत को लेकर हंगामा हुआ। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सुबह के समय मृतक महिला नीलम कुमारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर मायके वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। पूरा में मेरा गांव चांबा, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी से बिलोंग करता हूं। मैंने शाम को मेरे को 7 बजे मुझे इसके बारे में पता चला कि भाई आपकी लड़की बीमार है, और मैं रात को हॉस्पिटल में 2 बजे पहुंचा एम्स में, और जब मैंने वहां पे देखा तो लड़की उस टाइम मैंने मृत उसमें अवस्था में देखी, और उसके बाद जो है डेड बॉडी को एम्स से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर लाया गया, और पुलिस ने भी मेरे बयान दर्ज किए। इससे पहले भी 2015 में जब इसकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद कोई 8-10 महीने बाद जो है ये मेरे घर आ गई थी लड़की, कि मेरे साथ ये झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने पुलिस में FIR लॉज की है घुमारवी थाना में। उसके बाद जो है आज आपने के पास जो है उसमें कुछ नीले निशान बॉडी में मैंने देखे जी, उसकी पीठ पे, गर्दन पे, दोनों साइड पे जो है नीले धब्बे, पूरी पीठ जो है और गर्दन जो है नीली छिली हुई देखी मैंने। क्या आशंका क्या है? मुझे लग रहा है जी कि भाई ये कुछ इन्होंने मारपीट की है, कुछ किस चीज से इसको मारा है, मुझे ऐसी आशंका है जी। सर मेरा नाम अमित कुमार है, और जो भी मैंने डेड बॉडी देखी है, मेरी बहन है जिसका नाम नीलम है, और इसके बॉडी के ऊपर वो जलने के निशान है और साथ में हथियार के निशान लगे हुए हैं, तो ये पूरी तरह से मर्डर किया हुआ है। शक मेरे को पूरा शक इसके पति पे है, इसकी सास पे है, क्योंकि जैसा पहले इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ही गंदा था। पहले भी इन्होंने ऐसा गलत काम किया था, उस टाइम भी FIR हुई थी, और अभी ये सामने आपके सब कुछ ये मृत्यु हो चुकी है, इस बारे में बताएं कुछ। ये तो सर मुझे शाम को ही पता लगा, कल रात को जी 11:30-11 बजे के करीब पता लगा। करवाई थी अब इसी मांग सर, न्याय चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए, और ये पूरी तरह से मर्डर केस है। वहीं इस दौरान मायके वालों ने हंगामा भी किया और पुलिस को एक शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।